टीचर बनने का शौक मुझे बचपन से ही था, क्योंकि जो बच्चे होते हैं मुझे उनसे काफ़ी, मैं प्रभावित हूँ बच्चों से, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, और ज़्यादा मैं मुतमइन हूँ बच्चों के साथ ही, बहुत अच्छे से उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। जब भी कहीं पे शादी होती है, मतलब कोविड से पहले जब हम जाया करते थे तो सभी बच्चे आया करते थे मेरे पास। हमारा काम होता है बच्चों को पढ़ाना, न सिर्फ बच्चों को पढ़ाना बल्कि उन्हें इंसान बनाना, और इंसानियत के जो उसूल हैं उन्हें वो सिखाना, हर टीचर का काम यही है। मैंने इस काम को बोझ, बच्चों के लिए बोझ नहीं बनाया, मैंने इनोवेटिव तरीके से उन्हें पढ़ाया। यानी जो भी मतलब जो भी बच्चे में कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर दिए मैंने बचपन से ही। ये नेशनल लेवल का अवार्ड है, जो बेस्ट टीचर अवार्ड है नेशनल लेवल पे मिल रहा है। यानी ये 5 सितंबर को मिल रहा है, अनाउंसमेंट तो हो गई है इसको इसकी, क्योंकि ये जो 5 सितंबर मनाया जा रहा है टीचर्स डे, ये जो प्रेसिडेंट सर हैं वो दे रहे हैं सभी नेशनल अवार्डीज को ये अवार्ड। तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने जो काम है, मैंने अपना काम कभी मतलब हाईलाइट नहीं किया है जिस तरह लोग करते हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग करते हैं अपना अपना काम जिनका वो काम होता है, मगर कोई तो है जो निज़ामी कुदरत चला रहा है, वही खुदा है, और उन्होंने मेरे काम को हाईलाइट किया और वही जानते हैं कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, और उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार, मैं अल्लाह का बहुत मतलब शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए पहले इस काम के लिए कि मैं टीचर बनाया, मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया, और उसके बाद ये अवार्ड से नवाजा। फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, फैमिली के लिए तो है ही है, पूरी जो टीचर्स फैटर्निटी है, पूरा समाज है कश्मीर का, सब के लिए फ़ख्र की बात है कि कहीं ना कहीं पे टीचर्स की जो हौसला अफजाई होती है और इनके काम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि खाली ये एक टीचर काम करती हैं, पूरे जो हमारे टीचर्स बरादरी जो है, फैटर्निटी हैं, अपने अपने तौर से हर एक कोशिश करता है। और मुझे इस ज़ाती तौर पर इस बात पे फ़ख्र है कि जो हमारे गवर्नमेंट टीचर है काफ़ी पढ़े लिखे हैं और तनदेही के साथ काम करते हैं। बहरहाल अवार्ड मिलना ये तो एक हौसला अफजाई होती है।